आरटीई एक्ट का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है, यानी आरटीई एक शिक्षा से संबंधित कानून है। सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य उचित शिक्षा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने आरटीई एक्ट तैयार की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। आखिरकार क्या होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों हम इसका इतिहास भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 क्या है। आरटीई एक्ट 2009 सभी 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009 आरटीई एक्ट जिसे कहा जाता है, इसमें निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे देश के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करें और भविष्य में अपना करियर अच्छा बनाएं। आज के बच्चे ही जो हुए हैं वही क्या है, हमारे देश के भविष्य हैं। और अगर आज के बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। इसलिए सरकार ने सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया। क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाया गया। आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ, तो दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आरटीई एक्ट 2009 को लागू कब किया गया था, तो दोस्तों यह 2010 में लागू किया गया था। अधिनियम 2009 है लेकिन इसे लागू 2010 में किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में बनाया गया था, लेकिन पूरे देश में इस कानून को लगभग एक वर्ष बाद लागू किया गया था। क्या है दोस्तों इसकी विशेषताएं, अर्थात शिक्षा के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं क्या है, तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है। ऐसे बच्चे जो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं और अशिक्षित व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन समिति और स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए घर घर में सर्वेक्षण करेगा। परिवार स्तर पर सर्वेक्षण करने से प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों को ढूंढने में आसानी होगी। प्रत्येक निजी विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब कि दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 2% वहाँ के लोकल एरिया के बच्चे होने चाहिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हों। इन बच्चों से वही फीस लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के छात्रों से लिया जाता है। निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान 25% सीटें कमजोर वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को न स्कूल फीस देनी होगी, न स्कूल ड्रेस खरीदना होगा, न ही पुस्तकें खरीदनी होगी। सरकार पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील यानी कि मध्यान्ह भोजन मुफ्त में मुहैया करेगी। विद्यार्थियों को न तो अगली कक्षा में जाने से रोका जाएगा और न ही निकाला जाएगा, और साथ ही साथ इसका कोई बोर्ड एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा। कोई भी स्कूल बच्चों का नामांकन लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अब दोस्तों इसके हम उद्देश्य को जानते हैं
आखिरकार आरटीई एक्ट 2009 के उद्देश्य क्या हैं? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, 6 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करवाना, यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। ये दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है, ना कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित करना। प्राथमिक शिक्षा पूरा होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा। बच्चे को कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में फेल व अनुत्तीर्ण न किया जाएगा। और कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाए। अगर किसी बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है और वह बच्चा स्कूल नहीं जाता है या उसका नामांकन नहीं हुआ है तो उस बच्चे का नामांकन उम्र के अनुसार उचित कक्षा में किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड देने का प्रावधान नहीं करता है। ना तो उन्हें पीटा जाए और ना ही उन्हें डीमोटिवेट किया जाए। उन्हें प्रताड़ना नहीं की जानी चाहिए, उनका इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए, जिसको मानसिक दंड में रखा गया है। कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण संस्थान खोलकर निजी शिक्षण गतिविधि नहीं कर सकता। आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षक छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वह 1:30 है, यानी कि एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी हो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भी लिखा गया है। कहीं पर 1:35 भी रखा गया है और 1:40 तक भी रखा गया है, वहां पे बच्चों के अकॉर्डिंग ये किया गया है। विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, साथ ही साथ दिव्यांग के लिए भी अलग अलग शौचालय हो, जो कि इस समय लागू किया गया है क्योंकि प्रेक्षण के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि विद्यालयों में बालक बालिकाओं और विकलांगों के लिए अलग अलग शौचालय मुहैया कराए गए हैं। आवश्यक दस्तावेज की वजह से किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से न रोका जाए। यदि कोई डॉक्यूमेंट है और जो कि इम्पोर्टेंट है उसके वजह से बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से न रोका जाए। स्कूल में नामांकन के लिए बच्चे का प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाना चाहिए। अब हम दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है। दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम का इतिहास कुछ इस प्रकार है। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 ए भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक आधार माना गया है। अक्टूबर 2003 उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून जैसे कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 का पहला प्रारूप तैयार कर अक्टूबर 2003 में इसे वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस प्रकार राय और सुझाव आमंत्रित किए गए। सन 2004 मसौदे पर प्राप्त सुझावों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार कर http://education.nic.in वेबसाइट पर डाला गया। जून 2005 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक के पास भेजा, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री से ध्यानार्थ भेजा था। 14 जुलाई 2006 वित्त
समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष के अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्य को भेजा। 76वें संविधान संशोधन के बाद राज्य ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात भी कही थी। 19 जुलाई 2006 CACL, FAFE, NAFRE और केब ने ILP तथा अन्य संगठनों को योजना बनाने, बैठक करने तथा संसद की कार्यवाही को के प्रभाव पर विचार करने व भावी रणनीति तय करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों, इसके कुछ और भी तत्व हैं, जैसे कि दोस्तों यदि कोई सरकारी टीचर है तो वह कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है और पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, इसे व्यापक बनाया जाए। परीक्षा शैक्षिक सत्र के अंत में बालकों की परीक्षा ली जाए। शिक्षा पूरी करने वाले बालकों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएं। दोस्तों, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, केंद्र सरकार इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करे। राज्य सरकार परिषद, राज्य सरकारें इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करे। शिक्षकों की रिक्तियों का स्थान भरा जाए और जैसे कि दोस्तों यदि कहीं पर टीचर नहीं है तो वहां पे टीचर को अवेलेबल कराया जाए। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक न हो। अनुसूची को संशोधन करने की भी शक्ति दी गई है, जैसे कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मानक को अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।